अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। जैसे कि आप जानते हैं, हमने वैक्सीन डिजाइनिंग के ऊपर लेक्चर की सीरीज को स्टार्ट किया हुआ है और आज हम डिस्कस करेंगे इसका लास्ट स्टेप, यानी कि स्टेप नंबर 5, जिसमें हम डिस्कस करेंगे वैक्सीन की मॉलिक्यूलर डॉकिंग को, मॉलिक्यूलर डायनामिक सिमुलेशन को, इम्यून सिमुलेशन को, और लास्ट में हम देखेंगे इसके एक्सप्रेशन एनालिसिस को। आइए देखते हैं कि वैक्सीन के फाइनल स्टेप में और क्या कुछ है। जी स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे वैक्सीन डिजाइनिंग का लास्ट, यानी कि स्टेप नंबर 5, जिसमें हम देखेंगे कि हमने इसकी मॉलिक्यूलर डॉकिंग, मॉलिक्यूलर डायनामिक सिमुलेशन और एक्सप्रेशन एनालिसिस कैसे करने हैं। जैसे कि आपके सामने स्लाइड के ऊपर एवरीथिंग मेंशन है कि डॉकिंग एनालिसिस हम करेंगे क्लस्टरों के जरिए, जो कि प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन के लिए मोस्टली यूज होता है। फिर उसकी मॉलिक्यूलर डायनामिक सिमुलेशन हम करेंगे आई मोड ऑनलाइन सर्वर अवेलेबल, इससे हम कर सकते हैं या सिम लैब को यूज कर सकते हैं, तो आप ग्रोमैक्स को भी यूज कर सकते हैं। और फिर थर्ड पे हम ये देखेंगे कि जैसे हम इसकी मॉलिक्यूलर डायनामिक सिमुलेशन कर लेंगे, यानी कि एनर्जी मिनिमाइजेशन हमारी वैक्सीन की आ जाएगी, तो हम देखेंगे वैक्सीन की एक्सप्रेशन एनालिसिस, यानी कि हम जो है वो इकोलाई को एज ए वेक्टर लेते हुए उसमें इसके एक्सप्रेशन के एनालिसिस करेंगे। तो एक्सप्रेशन के लिए ऑलरेडी इसके ऊपर मैंने लेक्चर एक शेयर किया, उसका मैं आपको लिंक भी दे दूंगा। सबसे पहले तो हम वैक्सीन को प्रोटीन की फॉर्म, इसको न्यूक्लियोटाइड में कन्वर्ट करेंगे एमबॉस के जरिए। फिर हमारे पास जो न्यूक्लियोटाइड आएंगे उसके हम से कोडान ऑप्टिमाइजेशन उसकी करेंगे, ताकि उसकी कोडान के अंदर जो एरर्स हैं वो खत्म हो जाएं। फिर वहां से हम जो हमारे पास न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस आएगा उसको हम फिर आगे जो है एम्पलीफिकेशन और फिर उसकी क्लोनिंग करेंगे विद वेक्टर एट स्नैप जीन टूल। लास्ट पे हमारे पास क्या होगी, इम्यून सिमुलेशन, क्योंकि हमें ये चेक करना है कि जो हमारी वैक्सीन जो है बाकी तमाम टेस्ट तो क्लियर कर चुकी है, क्या हमारी बॉडी में जाने के बाद कोई एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर सकती है और फिर उसका इफेक्ट कब तक होता है। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं डॉकिंग एनालिसिस। डॉकिंग एनालिसिस के लिए जो है हमें हमारे पास जो है एज ए लिगेंड जो है वो तो हमारे पास जो है हमारी प्रोटीन ऑलरेडी अवेलेबल है, वैक्सीन को हम कहते हैं, उसका लास्ट जो है हमने लेक्चर पे उसका जो 3D स्ट्रक्चर हमने लिया हुआ था तो वो ऑलरेडी मैंने जो है उसको सेव किया हुआ है, यहाँ पे आपको दिखावे था डाउनलोड में, ये हमारे पास वैक्सीन का जो 3D स्ट्रक्चर अवेलेबल है डिस्कवरी स्टूडियो की फाइल में। अब हम देखेंगे कि हमारी बॉडी के अंदर जो कौन सा ऐसा एक रिसेप्टर है जो कि इस वैक्सीन को रिसीव करेगा, वो हमारे पास है 2 लाइक रिसेप्टर 3, और इसका जो है यहाँ पे PDB ID दिया हुआ है 2A0Z, या आप इसको नोट ऑन कर लें अगर आप यही एग्जांपल इसको फॉलो करना चाह रहे हैं। तो यहाँ से हम जाएंगे डाउनलोड पे, डाउनलोड के बाद हम इसकी PDB फॉर्मेट में इसको क्या करेंगे, डाउनलोड कर लेंगे। तो यूँ हमारे पास डाउनलोडिंग में इसकी जो है PDB जो है फाइल आ जाएगी। अब हमारे पास जो है वो हमारा रिसेप्टर भी अवेलेबल है, हमारा लिगेंड यानी कि हमारा वैक्सीन भी अवेलेबल है। अब हम आगे मूव करेंगे क्लस्टरों के ऊपर, ये प्रोटीन प्रोटीन डॉकिंग के ऊपर ऑलरेडी मैंने इसके ऊपर एक लेक्चर शेयर किया हुआ है। आपने जस्ट करना क्या है, यहाँ तो यहाँ पे आप रिसेप्टर की PDB ID लिखते हैं और लिगेंड जो यहाँ उसको अपलोड कर दें, या दूसरा ऑप्शन हम ये हमारे पास अवेलेबल है कि हम यहाँ पे दोनों के स्ट्रक्चर को अपलोड कर देते हैं। नहीं कि रिसेप्टर पे आप जाएं, तो रिसेप्टर पे जाने के बाद जो हमारा रिसेप्टर है दिस वन 2A0Z, इसको ओपन कर लें यहाँ पे, और हमारा जो लिगेंड है उसको यहाँ से हम अपलोड PDB पे जाएं तो हमारे पास चूज फाइल, और देन वी विल गो फॉर दी वैक्सीन, वैक्सीन के ऊपर क्लिक करें जो कि हमारा जो है वो मेन कैंडिडेट है, लिगेंड है, इसको ओपन कर लें यहाँ पे। जैसे आप दोनों को ओपन कर लेंगे तो उससे पहले आपने क्या करना होगा, इसको जॉब का नाम रखना, तो हम इसको जो है वैक्सीन डिजाइनिंग का नाम दे देते हैं, या वैक्सीन का नाम इसको देते हैं सिंपल। फिर आपने क्लिक करना है इसके ऊपर डॉक के ऊपर, तो वेरी सिंपल वे में रिजल्ट हम देते हैं क्लस्टरों, इसके रिजल्ट देखें जरा, तो इस तरीके से हमें जो है इसके ये रिजल्ट हमारे पास ही आ जाएंगे। ठीक है, तो ये डिफरेंट मॉडल्स हमें देता है इंट्रक्शन के, उसका 3 स्ट्रक्चर जो है रेड कलर में आपके सामने है, और फिर जो हमारा रिसेप्टर है वो भी आपके सामने यहाँ पे शोर है, और उनकी इंट्रक्शन के डिफरेंट पॉइंट्स भी यहाँ पे अवेलेबल है। फर्दर अगर आप इंट्रक्शन देखें तो आप पाइमोल के ऊपर या डिस्कवरी स्टूडियो के ऊपर जाके इनकी जो है आपस में इंट्रक्शन और इनकी जो बॉन्ड लेंथ है उनको भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी जो है क्लस्टरों में पहले भी आपको बताया हुआ है कि जो सबसे बेस्ट हमारे पास जो है मॉडल होगा वो 0 मॉडल होगा, क्योंकि इसके जो है रिजल्ट सबसे बेस्ट होते हैं, क्योंकि इसकी एनर्जी जो है वो हमारे पास जो है सबसे बेस्ट आती है। तो हम क्या करेंगे, यहां से इसको क्लिक करेंगे, 0 के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये मॉडल हमारा क्या हो जाएगा, डाउनलोड हो जाएगा। जैसे क्लिक ऑन 0 तो ये देखिए हमारे पास मॉडल जो है वो 00 के नाम से यहां पे क्या डाउनलोड हो चुका है। तो यूं हमारी ये डॉकिंग है हमारी वैक्सीन की विद जो हमारी बॉडी के अंदर रिसेप्टर है वो यहां तक कंप्लीट हो चुकी है। जैसे हमारी डॉकिंग कंप्लीट होती है तो हम आगे मूव करते हैं इसकी एनर्जी मिनिमाइजेशन के लिए और इसकी इंट्रक्शन के इंप्रूवमेंट्स के लिए, और आप अच्छे तरीके से जानते हैं उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, इसकी मॉलिक्यूलर डायनामिक सिमुलेशन। तो हम आते हैं आई मोड के ऊपर, तो ये आई मोड का होम पेज, जैसे हम इसके ऊपर आएंगे तो यहां पे हम ब्राउज करेंगे जो हमारे पास लास्ट पे डॉकिंग की इंट्रक्शन आई है, जस्ट क्लिक ऑन ब्राउज, और उसके बाद जो ये हमारे पास जो मॉडल आया है इसको यहां पे ओपन कर लेंगे। तो ये हमारे क्या इंट्रक्शन है, तो जैसे आई मोड वेरी सिंपल वे में ही हमें रिजल्ट देता है, ऑनलाइन टूल है, एक्सेप्टेबल है, साइटेशन इसकी अवेलेबल है, आपने क्लिक करना है जहाँ पे जस्ट सबमिट के ऊपर। इसके ऊपर भी लेक्चर हमारा ऑलरेडी है, जो कंप्लीट लेक्चर उसको आप देखिएगा, आप वहाँ से ईच एंड एवरी स्टेप इसका देख सकते हैं। फिर हमने जो है इसको क्या करना है, सबमिट, सबमिट के ऊपर जैसे हम क्लिक करेंगे इसके रिजल्ट वेरी सिंपल है आई मोड के, ऑनलाइन रिजल्ट के कुछ इस तरीके से आएंगे। तो ये हमारे पास देखें कि आफ्टर सिमुलेशन यानी कि एनर्जी को मिनिमाइज करने के बाद जो इसका डॉक रीजन की जो इंट्रक्शन थी और उसका जो कॉम्प्लेक्स था हमारे पास कुछ इस तरीके से आ रहा है।
ठीक है, इसके फर्दर रिजल्ट्स भी हम देखेंगे और मैंने ऑलरेडी एक लेक्चर इसके ऊपर शेयर किया हुआ है जिसमें आप इन डिटेल और इन डेप्थ जाके देख सकते हैं कि हम आई मोड के रिजल्ट्स को कैसे इंटरप्रेट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं जस्ट आपको एक और व्यू दूंगा, जैसे ही हमारे पास जो ये देखिए वैक्सीन और उसका रिसेप्टर की यहाँ पे जो है वो डॉक आपके पास इंट्रक्शन आ जाएगी तो आप फिर इसको नीचे मूव करें मोर इन्फॉर्मेशन पे। यहाँ पे देखें तो इसका जो है वो पहले आ जाएगा बीटा फैक्टर, इसको मोबिलिटी भी कहते हैं, उसका स्कोर बहुत अच्छा है, राउंड अबाउट जो है 0.04 के ऊपर आ रहा है। तो ये देखिए उसकी सारी पीक्स जो है ग्रीन कलर में नजर आ रही है। देन सो ऑन, इसके बाद हम इसका देखेंगे जो बीटा फैक्टर की जो है एटॉमिक इंडेक्स जो है वो हमारे पास इसका स्कोर आता है। फिर आइगन वैल्यूज जो है वो बहुत बेस्ट है इसकी, देखिए जो है आइगन वैल्यू जो इसकी मोस्टली जो है पीक समय जो है ज्यादा नजर आ रही है। फिर उसके बाद इसका जो वेरिएंस है उसको हम यहाँ पे जो है देख सकते हैं और लास्ट हम इसका देखेंगे को वेरियंस का जो मैप है वो हमें ये दिखा देता है। तो जिसमें भी हमें नजर आ रहा है हमारे पास कौन कौन से रीजन जो है वो एक्चुअल पोजीशन पे लगे हुए हैं, कौन कौन से रीजन जो एक्चुअल पोजीशन पे नहीं है, तो इस ग्राफ से हमें जो है उसकी इलास्टिक नेटवर्क की जो है पोजीशन है वो भी पता चल जाती है। तो ये हमारे पास जो है सारे के सारे किसके रिजल्ट आ जाते हैं सिमुलेशन के। इन ग्राफ्स को हम फर्दर आगे यूज कर सकते हैं अपने आर्टिकल में या फिर फर्दर जो है हमारे पास जो थीसिस है उसके अंदर। ओके, जैसे हमारे पास डॉकिंग और फिर उसकी जो है वो मॉलिक्यूलर डायनामिक सिमुलेशन का स्टेप खत्म होता है, फिर हम मूव करते हैं आगे फर्दर इसके एक्सप्रेशन एनालिसिस के लिए। तो एक्सप्रेशन एनालिसिस के लिए आपको पता है कि हमें क्या चाहिए होगा, प्रोटीन का सीक्वेंस हमारे पास है वैक्सीन का, अब हम उसको जो है रिवर्स ट्रांसलेट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियोटाइड। तो यहां से हम वैक्सीन का वही जो सीक्वेंस हमारे पास कंस्ट्रक्ट आया था उसको यहां से कॉपी कर लेंगे और हम चले जाएंगे एम्बोस के ऊपर। एम्बोस बैक ट्रांसजेक्ट के नाम से ये इसका टूल है, यहां पे आप अपना प्रोटीन का सीक्वेंस जो है पेस्ट कर दें। इस प्रोटीन जिसको हम वैक्सीन कहते हैं इसका सीक्वेंस जो है इन द फॉर्म ऑफ अमीनो एसिड्स है, जैसे इसको हम यहां पे सबमिट करेंगे तो ये हमें इसका रिजल्ट देगा इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, जैसे को हम सबमिट पे क्लिक करेंगे तो ये हमें रिजल्ट देगा इस फॉर्म में। तो ये देखें यहाँ पे इसके जो है वो न्यूक्लियोटाइड के रिजल्ट्स आ गए, क्योंकि हमें जो है एक्सप्रेशन के लिए क्या चाहिए होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स। तो हमारे वैक्सीन जो है ये हमारी जो प्रोटीन उसके जो है रिवर्स ट्रांसलेट करने के बाद हमारे पास जो है क्या आगे उसके न्यूक्लियोटाइड आ चुके हैं। जैसे हमारे पास इसके न्यूक्लियोटाइड आ जाते हैं तो फिर हम आगे मूव करते हैं हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट टूल है जिसको हम कहते हैं स्नैप जीन। लेकिन स्नैप जीन के ऊपर जाने से पहले आप थोड़ा सा ये काम जरूर कर लें कि आप अपने जो है जो आपके पास सीक्वेंस या इसको जो है ऑप्टिमाइज कर लें, यानी कि कोडान ऑप्टिमाइजेशन का जो है स्टेप होता है इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने एक लेक्चर आपसे शेयर किया हुआ है स्नैप जीन के ऊपर। ठीक है, तो उसमें आप जे कैट में जाकर जिसको हम कहते हैं कोडान ऑप्टिमाइजेशन टूल जो है इसके ऊपर आ जाएं और यहां से आप जैसे इसके ऊपर सीक्वेंस को पेस्ट करेंगे तो आपको जो है ये इसके अंदर जितनी भी वो जो हिंड्रेंस थी या जितना इसका स्कोर लोअर स्कोर था उसको ये इंप्रूव कर देगा। देखिए यहाँ पे सी आई वैल्यू इसकी जो है 0.91 आ रही है। ठीक है, और इसका जो जीसी कंटेंट 69 है, तो इसके अंदर जितनी डिफॉर्मिलिटीज उसको खत्म करने के बाद उसको इंप्रूव करेगा इसकी सीक्वेंस को। अब देखिए यहाँ पे इंप्रूव डीएनए लिखा और उसका स्कोर क्या आ जाता है इंक्रीज, और इसकी पीक्स भी यहाँ पे जो है होमोजेनाइज हो जाती है और स्कोर क्या हमारा हो गया 91 से हो गया 0.91 से हो गया हमारे पास को 0.95 और हमारे पास जीसी कंटेंट भी इंक्रीज हो गए। अब हमने क्या करना है कि वो सीक्वेंस यूज करना, हमने सिर्फ सीक्वेंस को इंप्रूव किया है कोडान ऑप्टिमाइजेशन के लिए, हम यहाँ से जो इंप्रूव डीएनए का सीक्वेंस है इसको यहाँ से कॉपी करेंगे। जैसे इसको कॉपी करेंगे तो फिर हम जाएंगे स्नैप जीन के ऊपर, ये हमारे पास स्नैप जीन ओपन है, आपने जाना फाइल के ऊपर, न्यू डीएनए में जाएं, न्यू डीएनए के ऊपर यहाँ आके अपना वो सीक्वेंस पेस्ट करें, इसका टाइटल रखें और इसको कर दें ओके। जैसे ओके करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास जो है इस तरीके से जो है रिस्ट्रिक्शन साइट के साथ जो है ये हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट जिसको हम वैक्सीन कहते हैं वो यहाँ पे आ चुका है। 936 जो है बेस पेयर का जो है वो हमारे पास जो वैक्सीन का जो विद रिस्ट्रिक्शन साइट के साथ जो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है वो यहाँ पे आ चुका है। अब नेक्स्ट थिंग इज दैट हमने सर्च करना है अपना जो है वेक्टर, तो वेक्टर हम मोस्टली यूज कर इसके लिए पेट वेक्टर। तो मैंने ऑलरेडी जो है वो इंटरनेट से डाउनलोड किया, आप स्नैपजीन से भी डाउनलोड कर सकते हैं, तो ये PET29A वेक्टर जो हमारे पास ऑलरेडी डाउनलोडेड फॉर्म में अवेलेबल है। अब हमने क्या करना है, हमने इन दोनों को क्या करना है आपस में मिलाना है, मिलाने के लिए हम क्या करेंगे इन दोनों की जो है वो क्या करेंगे क्लोनिंग। तो क्लोनिंग जो कैसी होगी वो मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे पास क्लोनिंग के जो स्टेप्स हैं उसमें क्या क्या चीज़ होती है। तो आप देखिए डबल डिजेस्ट का एक तरीका होता है, फिर सिंगल डिजेस्ट होता है, फिर सिंगल डिजेस्ट विद वन एंजाइम है, फिर सिंगल डिजेस्ट विद टू एंजाइम है, कि जो ब्लंट एंड की बेस पे होता है। अब हमारे पास देखें तो ये हमारे पास जो सेकंड नंबर पे सिंगल डिजेस्ट आ रहा है टू एंजाइम विद नॉन कंपैटिबल एंड्स, क्योंकि हमें तो नहीं पता हमारा जीन कहाँ जाके लगेगा, तो हम इस मेथोडोलॉजी को या इसको जो है फॉलो करेंगे अपनी वैक्सीन के एक्सप्रेशन एनालिसिस के लिए वेक्टर में। ओके जी, अब हम मूव करेंगे आगे, हमारे पास वेक्टर भी आ चुका है, हमारे पास जीन ऑफ इंटरेस्ट भी आ गया, उसको हमने ऑप्टिमाइज कर लिया है, तो हम आगे देखेंगे इसका कैसे हमने क्लोनिंग करानी है। तो क्लोनिंग में कैसे होगा जी, हमारे पास जो है ये जीन ऑफ इंटरेस्ट यानी कि हमारे वैक्सीन का जो है वो फ्रैगमेंट है पूरे का पूरा,
उसमें सिक्स एक्सिस जर्नी हमने टैग उसको लगाया हुआ है, और साथ देखें तो ये हमारे पास क्या है, वेक्टर है, और जो हमने जो इसमें चूज किया है हमारे पास जो है वो जो साइट है पोजिशन साइट, तो वो हमारे पास है PSI 1 की, तो PSI 1 की ये दोनों साइट यहाँ पे इसकी अवेलेबल है। तो एज इट इज जैसे हम इसके अंदर इसको इंसर्ट करेंगे तो इस जगह पे जाके जहाँ PSI 1 की ये साइट लिखी हुई है यहाँ पे जाके ये दोनों उसके साथ क्या है कंपेटेबल है। तो यूँ हमने अपने इंसर्ट को जैसे अंदर इंसर्ट किया तो हमारे पास क्लोन फ्रैगमेंट कुछ इस तरीके से आया। यहाँ पे देखें तो हमारा जो है वो जीन ऑफ इंटरेस्ट इसमें ऐड हो चुका है हियर, तो वो पूरे के पूरी हमारी जो है इसकी क्लोनिंग हो चुकी है, जो कि हमें क्लियर कट बता रही है कि हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो इजीली एक्सप्रेस हो सकता है किसके अंदर, इक्वलाई के इस पैट 29 वेक्टर के अंदर। ओके, फिर जब आपके पास ये क्लोन जो है फ्रेगमेंट आ जाएगा तो इसको फिर आप फर्दर यूज कर सकते हैं अपने थीसिस के लिए और अपनी पब्लिकेशन के लिए। अगर आप ये देखना चाह रहे हैं कि इसकी ईच एंड एवरी स्टेप को हमने कैसे परफॉर्म किया तो इसके ऊपर जो मैंने लेक्चर ऑलरेडी दिया हुआ है जीन क्लोनिंग के ऊपर उसका लिंक मैं आपको दे दूंगा, तो वहां पर आपको ईच एंड एवरी स्टेप उसका मिल जाएगा। तो यहां तक हमने जो है हमारी जो क्लोनिंग या एक्सप्रेशन है एनालिसिस यहां पे अपने वैक्सीन कि हमने कर लिए हैं। ये हमारा वैक्सीन है जो आपको यहां पे रेड कलर में नजर आ रहा है। अब हम आगे मूव करते हैं, हमारा जो लास्ट स्टेप है वो है हमारे पास क्या है इसकी जो है इम्यून सिमुलेशन, यानी कि हमने ये देखना है कि क्या हमारा वैक्सीन हमारी बॉडी में जाके कोई एक्टिविटी देता है या नहीं देता है। तो आपने कहां पे आना है, इस टूल के ऊपर, इसका नाम क्या है C-ImmSim, इसके ऊपर जैसे आप आएंगे तो यहाँ पे आपने क्या करना है अपना जो फास्ट एक ही फॉर्मेट में आपका जो सीक्वेंस है वो आपने यहाँ पे क्या करना है पेस्ट कर देना है। ठीक है, जैसे इसको हम यहाँ आप अपनी प्रोटीन भी यहाँ पे दे सकते हैं, तो हम अपनी वैक्सीन का जो सीक्वेंस है वो यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे क्या करेंगे उसको पेस्ट कर देंगे। ये जैसे हम इसको पेस्ट करेंगे वैक्सीन को, फिर हम करेंगे सबमिट जॉब को। अब हम ये देखना जा रहे हैं कि ये हमारे जो पास जो है इम्यून सिमुलेशन जो है वो क्या रिजल्ट देती है, क्या वो हमारी बॉडी में आके उसके एक्सप्रेशन है या नहीं है। तो इसके रिजल्ट कुछ इस तरीके से आएंगे, वेरी सिंपल जो ऐसा ग्राफ है, और यही ग्राफ सब कुछ हमें एक्सप्लेन करता है। सेकंड और थर्ड स्टेप था उसमें हमने एपिटोप प्रेडिक्शन की थी, बी एपिटोप्स हैं, MSC1 एपिटोप्स हैं, MSC2 एपिटोप्स हैं। ये ग्राफ हमें क्या शो कर रहा है जरा गौर से देखें, यहाँ पे एंटीजन अकाउंट पर ml नजर आ रहा है आपको, नीचे देखें तो हमारे पास एंटीजन एंड इम्यूनोग्लोबुलिन जो है एंटीबॉडीज सब डिवाइडेड पर आइसोटॉप्स उसके डेज आ रहे हैं, यानी कि यहाँ पे एंटीजन है, यहाँ पे डेज है, और यहाँ पे हमारे पास जो उसका टाइटल आ रहा है। तो आप यहाँ पे आपको जो ब्लैक कलर में नजर आ रही चीज़ ये हमारी क्या एंटीजन है। तो हमारी बॉडी में यानी कि वैक्सीन जब हमारी बॉडी में आएगी तो विद इन अ 5 डेज यानी कि 5 दिन तक हमारी बॉडी में ये स्टे कर सकती है। जैसे 5वां दिन आएगा तो इसके अगेंस्ट जो है ये आपको ये जो लाइन तीनों नजर आ रही है, ये कर्व नजर आ रही है, हमारे पास क्या एंटीबॉडीज हैं। तो हमारी बॉडी इसके अगेंस्ट जो एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देगी, ना सिर्फ एंटीबॉडी बनाएगी तो देखिए उसकी वैल्यू उसका टाइटल कितना हाई है। ठीक है, ये आपको अगर इसमें देखें जो ब्राउन कलर में लाइन नजर आ रही है ये हमें दे रही है IgM और IgG जो एंटीबॉडीज है उनकी लाइन है। ये ग्रीन कलर में है तो IgM है हमारे पास, ब्लू कलर में है तो हमारे पास IgG1 और IgG2 दोनों हैं। तो इन तमाम के जो हमारे बॉडी में इसका जो रिस्पॉन्स है वो एक्सीलेंट है, और रिस्पॉन्स रहेगा कब तक रहेगा, 32 डेज तक रिस्पॉन्स इसका हमारी बॉडी में रहेगा। यानी कि जैसे एंटीजन हमारी बॉडी में आएगी उसके अगेंस्ट फौरन हमारी बॉडी जो एंटीबॉडी बना लेगी। इसका मतलब है कि हमारी जो वैक्सीन है ये एक्सीलेंट है, और ये हमारी बॉडी में लॉन्ग लास्टिंग जो है इम्यूनिटी लेके आ सकती है। तो यू इम्यून सिमुलेशन भी इसको क्या करता है, पास करता है कि आपकी एंटीजन जो है सबसे बेस्ट है। इसी के साथ जो है हमने वैक्सीन डिजाइनिंग का जो लास्ट स्टेप था उसकी इम्यून सिमुलेशन को वो भी चेक कर लिया। अब मैं उम्मीद करता हूं कि आप इन तमाम के तमाम 5 स्टेप को यूज करके किसी भी वायरस किसी भी बैक्टीरिया के अगेंस्ट जो है वैक्सीन इजीली डिजाइन कर सकते हैं। गुड लक फॉर योर रिसर्च एंड गुड लक फॉर योर पब्लिकेशंस।